वेलकम टू पकवान रेसिपी इन हिंदी। मैं आज आप लोगों के लिए बनाने जा रही हूँ झटपट चना। चना झटपट कैसे बनेगा आइए देखते हैं। सबसे पहले हम फ्लेम को ऑन कर लेंगे। अब हम कुकर में डालेंगे चना जो हमने ताप पर भिगो कर रखा था, 250 ग्राम है। इसमें हम चना ऐड करेंगे और इसमें हम वाटर ऐड करेंगे। वाटर इतना ही होना चाहिए जिसमें चना भीग जाए। देखिए इसमें हमारा चना अच्छी तरह से डूब चुका है। एक बड़ा प्याज जिसे मैंने स्लाइस कट लिया है, 7 से 8 हरी मिर्च है, ये हमारा टर्मरिक पाउडर है, 1 टीस्पून है साल्ट स्वाद अनुसार, मस्टर्ड ऑयल 2 बड़े चम्मच। इस सबको मिक्स करके हम कुकर को बंद कर देंगे। 2 से 3 सीटी आने पे हम इसे खोलेंगे और हमारा चना बनके रेडी हो जाएगा। बहुत ही इजी है, आप जरूर ट्राई करें। 2-3 सीटी आने तक वेट करेंगे। हमारा 2 से 4 सीटी लग चुका है चना में। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे चेक करेंगे ये हुआ है या नहीं। ये हमारा चना हो चुका है, आप देख सकते हैं इसमें पानी बिल्कुल नहीं है। अगर पानी हो तो इसे आप फिर से फ्लेम ऑन करके आप पानी को सुखा सकते हैं। अब इसे हम सर्व करेंगे। आप देख सकते हैं इसमें इतना अच्छा ग्रेवी आया है। फ्रेंड्स आपने देखा बिल्कुल इजी और सिंपल है हमारा चना बनाने का तरीका। आप भी जरूर ट्राई करें। अगर आप कहीं बाहर जाते हैं और आपके पास समय कम है तो इस तरह से चना जरूर बनाएं। बहुत ही टेस्टी भी होता है और बहुत झटपट भी बन जाता है। आप देख सकते हैं बहुत ही देखने में कितना लुक इसका अच्छा है। आप खुद देख कर बता सकते हैं कि हाँ वाकई चना कितना जल्दी और अच्छा बन गया है। आप भी इस तरह से बनाएं। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज उसे लाइक जरूर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो आपको मिल सके। कमेंट करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।